कृपया ध्यान रखें कि चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस YouTube चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। बढ़ती हुई क्रिप्टो मार्केट को देखने के बाद, बढ़ता हुआ बिटकॉइन को देखने के बाद, पीटर थील नाम के मिलियनर ने $200 मिलियन का क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे तो माइकल सेलर के बारे में। सभी लोग जानते हैं क्रिप्टो मार्केट के एक बड़ी वेल है, 1.5 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन को होल्ड कर रही है। तकरीबन फिलहाल जो माइक्रो स्ट्रेटजी है उसका जो होल्डिंग है बिटकॉइन के अंदर बन चुका है $10 बिलियन का वर्थ हो चुका है। उसके अंदर उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर करंट टाइम के अंदर $4 बिलियन का प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इतनी बड़ी वेल और इतना बड़ा अभी प्रॉफिट हो रहा है तो ये भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, तो इससे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इससे हमें इंपॉर्टेंट मानना चाहिए और कहीं AMP लिस्ट के अंदर एड करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे तो यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी अगेन यहाँ पर फॉल होना स्टार्ट हुई है। अभी भी यूनाइटेड जो किंगडम है रिसेशन के अंदर एंटर हो रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिसेशन के अंदर घुस रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो जेनेसिस को यहाँ पर कोर्ट की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। बिटकॉइन एंड इथेरियम ट्रस्ट के जो शेयर है उसको बेचने के लिए अप्रूवल मिल गया है, क्योंकि उसे बिटकॉइन एंड इथेरियम के ट्रस्ट के जो शेयर है उसको बेचना था। उसका जो वर्थ है $1.6 बिलियन के आसपास का वर्थ निकल चुका है, मतलब कि कोर्ट ने अप्रूव दे दिया जेनेसिस ने। जेनेसिस एक फार्म है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे तो SEC के चेयरमैन गैरी जेंसन का ऐसा कहना है कि बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। यहाँ पे आप वीडियो क्लिप देख सकते हैं। Part of the attraction, since it's decentralized and you can't have a profligate central bank. It's not that decentralized. I know you're saying because of the ETFs, but really it is. It's not that decentralized because look how finance tends towards centralization since antiquity. Right. So what do we have? We have a handful of 3 to 6 core so-called crypto exchange. I understand, but the asset itself, the way that, you know, that's how the accounting ledger. Right, that's how the ledger. And now, how many times do you have people on this show that say, I want to invest in something because how the books and records are kept? I mean, Joe, really? It's just an accounting ledger, a clever. It's a ledger that everyone has and can't be double counted. यहाँ पर आपने वीडियो क्लिप के अंदर देख लिया होगा, SEC के चेयरमैन अमेरिकन गैरी जेंसर जी का यह कहना है कि बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज नहीं है, सेंट्रलाइज है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे, इतना ज़्यादा बिटकॉइन पंप हो रहा है तो लास्ट कुछ ही घंटों के अंदर, लास्ट 24 घंटों के अंदर $76 मिलियन वर्थ का बिटकॉइन है वो लिक्विडेट हो चुका है। आज के कुछ IMP अपडेट और न्यूज, अब यहाँ पे कुछ मार्केट एंड चार्ट के अंदर नजर मारते हैं। दोस्तों मैं अमेरिकन स्टॉक मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट के लिए एक इंडेक्स देखता हूँ, US डॉलर इंडेक्स, मतलब कि काफी हम इसके अंदर सीख चुके हैं। आज के दिन यहाँ पर पहले तो हम इंडेक्स को देखने वाले हैं। US डॉलर इंडेक्स जब बढ़ता है तो दूसरी मार्केट गिरती है, अगर नहीं गिरती है मतलब कि वो इनवैलिड है, कभी भी गिर सकती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहले तो मैं थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूँ कि प्रीवियस बुल रैली के अंदर एक गिरा था या नहीं गिरा था। तो प्रीवियस बुल रैली की बात करेंगे तो कंटिन्यू गिर रहा था, तब यहाँ पर हम कंटिन्यू बुल रैली देख रहे थे। जब ये कंटिन्यू बढ़ रहा था तो कंटिन्यू बेयर मार्केट देखे US के स्टॉक मार्केट के अंदर और क्रिप्टो मार्केट के अंदर। फिलहाल ये साइडवेज हो चुका है, मतलब कि यहाँ पर ये भी हम देख सकते हैं कि मैं कुछ लेवल दिखाता हूँ, डेट वाइज लेवल दिखाता हूँ। जब ये इतना बड़ा था तो क्या हुआ था, मतलब कि एक बार मैं यहाँ पर लेवल को लगा के आपको बता देता हूँ। तो DXY इंडेक्स जब से साइडवेज है, मैं लेवल वाइज यहाँ पे आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि जनवरी महीने के आसपास BTC का प्राइस $25,000 था, जब ये 100 के ऊपर DXY इंडेक्स चल रहा था। यहाँ से बढ़कर 105 गया तो ये मान के चलिए तब BTC का प्राइस $19,000 था, मतलब एक करेक्शन आया था। अगेन ये जब गिरा तो BTC का प्राइस $30,000 के आसपास चला गया। अगेन जब ये बढ़ा तो BTC का प्राइस $25,000 के ऊपर आया। अगेन जब ये गिरा तो BTC का प्राइस $33,000 के आसपास देखने को मिला। अगेन ये बढ़ा तो BTC का प्राइस अगेन हम $25,000 के आसपास देख चुके हैं। अगेन जब ये गिरा तो BTC का प्राइस हम 40-45 के आसपास देख रहे थे। अगेन ये बढ़ना स्टार्ट हुआ है बट BTC का प्राइस भी बढ़ रहा है, मतलब मैं थोड़ा सा इनवैलिड मान रहा हूँ, जो कि अगर हिस्ट्री को रिपीट करता है तब की बात है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिलहाल थोड़ा DXY इंडेक्स को मैंने यहाँ पे कवर किया और कुछ न्यूज़ अपडेट थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो एंड अपडेट पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही कंटेंट हम बनाते रहते हैं।